राजस्थान से संवाददाता लक्ष्मण गोरड़ की रिपोर्ट। विचार गोष्ठी का आयोजन सुखड़िया समाधि दुर्गा नर्सरी रोड पर चलने की ओर से एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ नागरिक आदिवासी समाज के प्रबुद्ध नागरिक की ओर से बख्शी राम जी लट्ठा की पहल पर 70 साल के संविधान के लागू होने के बाद भी आज भी 5वीं अनुसूची जो कि आदिवासियों को पूर्ण स्वायत्तता देती है। आज हमारा आदिवासी समाज बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। कई आदिवासी समाज के पास खेती भी नहीं है, और खेती भी है तो बहुत बहुत कम कम उपयोगी है, और खेती बाड़ी में कोई दम नहीं है। ये और क्या है, आदिवासियों का एक दो दो तीन तीन बीघा मुश्किल से ज़मीन है, और उसके अंदर कुछ पत्ता भी नहीं है। और वैसे देखा जाए तो आदिवासी इलाके में जंगल में अपने आदिवासी को भाई बहन बहुत रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जंगल काट करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी ये फॉरेस्ट वाले बहुत परेशान करते हैं, उनके मकान जला देते हैं, उनको वहाँ से भगा देते हैं। इनके मकान के तोड़ने के अलावा जमीन ज़्यादा जितनी भी हो सब कुछ खत्म कर देते हैं। आज आप देखो तो यहाँ अपने दिल्ली में देखो, आज किसान लोग हैं हजारों की तादाद में दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली को घेर रखा है उन लोगों ने। यहाँ पर कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार, सभी सरकारें हैं, लेकिन सब अपने अपने सवाल अपने अपने मुद्दे पर बैठे हुए हैं, और आदिवासी और गरीब लोगों का कोई देखने देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आदिवासी समाज के अंदर जितने भी पढ़े लिखे हैं उन सबको इकट्ठा होना चाहिए, वकील लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, डॉक्टरों को इकट्ठा करना चाहिए, और पढ़े लिखे जितने समाज के लोग अच्छे अच्छे उच्च अधिकारी हैं उन सबको अपने साथ लेना चाहिए, उनसे साथ में रह करके विचार विमर्श करना चाहिए। विचार विमर्श करने के बाद फिर उनको अपने समस्या का समाधान निकालना चाहिए। मैं ज़्यादा न कह करके तय कर करके